और जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। देखिए ये रॉ मटेरियल बनाने वाली मशीन जो पेपर प्लेट का, अभी फिलहाल तो बंद पड़ी हुई, बंद पड़ा हुआ सर, लेबर भी छुट्टी पे गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए भी काम नहीं हो रहा है जी। तो कितने रुपए किलो मटेरियल आप लोग दे रहे हैं अभी? कितने रुपए किलो दे रहे हैं अभी हम लोग? सर मटेरियल जो दे रहे हैं 40 रुपए से लेकर के 50 रुपए किलो तक। 40 रुपए किलो जी, बहुत जबरदस्त। देखिए पूरे गोरखपुर में इतने सस्ता आपको मटेरियल देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चाल ठंडा होने के आप लोग छोड़ देना फिर? हाँ, इसको 10 मिनट छोड़ा जाएगा पानी डालकर, ठंडा होगा। पानी डाला जाता है जी, जम जाता है। हाँ। थोड़ा देखिए इसको बचाव भी बड़ा रखना पड़ता होगा क्योंकि बहुत गर्म होगा ना ये? बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्म, जलने पूरा सिमट लेगा एकदम। इस तरीके से देखेंगे आपको ये पूरा निकलना, थोड़ा सा पास से दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा गर्म तो है। देखिए इस तरीके से ये निकलता जाता है, मैं दिखा रहा हूँ। ये निकलना, उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है? दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों शीशे में एक नए बिजनेस के तलाश में आ गया गोरखपुर में। आपको बताते चलो, आज की वीडियो में ऐसा धमाके होने वाला है जो पूरे पूर्वांचल में आप तक लोग ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे। प्रॉपर में एक बार लोकेशन की बात करें तो देख सकते हैं, ये जो रोड आपको जाता है ये सीधा थोड़ा सा किनारे से दिखा दीजिएगा, ये रोड सीधा आपका खैलाबाद की तरफ निकल जाता है इस साइड अगर जाते हैं तो, और इधर जाएंगे तो सीधा आपको गोरखपुर की तरफ निकल जाएगा। और ये प्रेजेंट टाइम में हूँ अगीडा सेक्टर 26 में, और आपको विजिट कराने वाला हूँ AK इंटरप्राइजेज में। यहाँ पे छोटे से छोटे जो बिजनेस से लेकर के बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में जैसे आप लोग गाँव गाँव में देखते होंगे जो बोरा होता है खाद वाला, प्लास्टिक का जो बोरा होता है, लोग आप लोग फेंक देते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो बोरा रहेगा हम लोग खुद खरीद लेंगे। खरीदने के बाद क्या होता है, लोग रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकिल करने के बाद लोग छोटे छोटे दाने बनाते हैं, और उस दाने को बनाने के बाद आप लोग देखते होंगे अपने घर पे यूज करते होंगे, जो प्लास्टिक की कुर्सी हो गए, प्लास्टिक का मग हो, प्लास्टिक का बाल्टी हो गए, ऐसे ऐसे यूज करते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं, ऑनर से बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी ले तब तक लिया। भैया जैसे कि मुझे पता चला कि गीडा सेक्टर 26 में आ गया हूँ, यहाँ पर लघु की लगभग सारी मशीनें देखने को मिल जाती है। बिल्कुल सर, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं और थोड़ा सा प्रॉपर एड्रेस मेंशन कर दीजिए सर। मैं जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये गीडा सेक्टर 26 बेटी रावत सहजरवा, अच्छा गोरखपुर में स्थित है ये। अच्छा, और हम लोग जो बात करने वाले बेसिकली जैसे प्लास्टिक का जो भी बोरी वोरी हम लोग उठाते हैं, कचरे में फेंकते हैं, हाँ। उसको हम लोग रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल करने के बाद उसको छोटा छोटा टुकड़े करके, टुकड़ा करने के बाद उसको दाना बनाते हैं। जो दाना हम यूज करते हैं, जैसे हम बाल्टी बनता है, मग हो गया, चेयर अच्छा। हो गया आपका, फाइबर की बहुत सारी चीजें हम लोग यूज में ले रहे हैं आज के डेट में, उसका हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन और रिसाइकल करते हैं। इससे दो फायदा होगा, एक तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा जी, और हम लोग जो सारी चीजें यूज में भी जाएंगे। बिल्कुल सर। तो जो हमारे गाँव गाँव में लोग देखते हैं बोरा रखे रहते हैं, तो आप लोग खरीद भी लेंगे? बिल्कुल सर, हम खरीद लेंगे। कितने रुपए किलो लेते हैं हम लोग सर? इस समय जो खरीदारी कर रहा हूँ 6 रुपए किलो कर रहा हूँ। 6 रुपए किलो करते हैं, ये देखिए मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है, रेट 1 रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए ज्यादा देने का संदर्भ चला जाए। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सीधे हम लोग इनके प्लांट के अंदर आ चुके हैं। देखिए जैसा मैंने पहले बताया था आपको, बोरा जो रहेगा इसका लोग रिसाइकिल करके प्लास्टिक का सारा सामान बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। और सर थोड़ा बताते चलिए इसके बारे में, ये अभी माल लत क्या रहा ना? हाँ, माल लत क्या रहा, इसके बाद इसके माल का सफैया होगा, बोरा झाड़ा जाएगा, बोरा झाड़ा जाएगा। इस तरीके से देखिए लोग लाते हैं टुकड़ी टुकड़ा जो भी सारा लोग ले लेते हैं सब सब, तो समझ सकते हैं इस तरीके से कहेंगे तो बहुत नेक भी काम हो रहा है और प्लस बिजनेस भी हो रहा है। इतना देखिए स्टॉक आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखाई भैया कैमरे को, खाया जा रहा जो भीग चुका है, अच्छा जो गीला हो चुका है सुखा रहे हैं आप लोग, जो गीला। और इधर देखिए ये सारा पूरा इन्होंने ढेरों का ढेर लगा रखा है इस तरीके से, और ये लोग क्या कर झाड़ रहे हैं? हाँ, ये झाड़ कचरा इसका साफ किया जा रहा है। अच्छा, कचरा साफ कर, कचरा साफ करने एक ही प्रोसेस है तो और भी प्रोसेस होता है? नहीं, कचरा साफ करने के बाद फिर जाता है मशीन। अच्छा, लोग ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ के बस रख देते होंगे ना? ठीक है, तो ये लोग लोकल के होंगे ना फिर? जी। उसके बाद ये क्या है, व्हाइट व्हाइट कलर का कचरा ही सर इसमें? ये ब्रान है। इसे क्या बोलते हैं ब्रान? मतलब ये ब्रान ही आपका इसमें से जो चावल खुदरी निकलता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये अलग बिक जाता है। अच्छा, अलग बिक तेल निकलता है। अच्छा, इसमें से चावल खुद भी निकलता है? हाँ, इससे तो लोग कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसको परचेज करती हैं। अच्छा, इसमें तेल निकालती हैं? इसमें तेल निकालती हैं। तो ये बोरे में से निकलता है? नहीं नहीं, जो ब्रांड देख रहे हैं आप ये। अच्छा, चलिए इस तरीके से अभी देखेंगे, ये आपको स्टॉक लगा के रखे हैं, अभी इसका प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। इतने सारा आपको बोरा देखने को मिल जाए, पहले क्या करते हैं बोरे के लोग लाते हैं मार्केट से, फिर झाड़ते हैं साफ करते हैं, उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है? मशीन पे जाता है ये, मशीन पे जाता है। तो मशीन, और उस मशीन का नाम क्या है? दोस्तों देख सकते हैं इससे बोरा झाड़ने के बाद हम लोग अगली प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, मशीन है, और ये गुल्ला क्या बोले हैं मशीन का नाम? प्लास्टिक का गुल्ला इसका बनाया, प्लास्टिक गुल्ला बनाया झाड़ने वाली मशीन। यहाँ पे ये लोग लेके आते हैं, और भैया क्या क्या इसमें पल डालते हैं आप लोग?
इस तरीके से मशीन ऑपरेट किया जाता है, डालते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे पास से दिखाइएगा, मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके देखेंगे यह पर एक स्लाइड बना हुआ है। ये क्या करते हैं भैया जो है लेके बोरा इसमें डालते हैं, देखिए, और मशीन यहाँ पे चल रही है। इसे बोरा डालते जाएंगे और बोरा डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे ये आपका इस तरीके से बन के निकल रहा है। ये पूरा गर्म होता होगा ना? हाँ, बहुत गर्म है ये, बहुत गर्म रहता है, इसको बचा के पूरा रखना पड़ता है। देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा उस पर जाए, उस साइड आप लोग छोड़ देना फिर। हाँ, इसको 10 मिनट छोड़ा जाएगा, पानी डालकर ठंडा होगा, पानी डाला जाता है जी, जम जाता है। हाँ। थोड़ा देखिए, इसको बचाव भी बड़ा रखना पड़ता होगा क्योंकि बहुत गर्म होगा ना ये। बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्म, जलने पूरा सिमट लेगा एकदम, बिल्कुल हाथ बच जाएगा इसमें। इस तरीके से देखेंगे आपको ये पूरा निकलना, थोड़ा सा पास से दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा गर्म तो है, देखिए इस तरीके से निकलता जाता है, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये निकलना। उसके बाद अगली प्रोसेस क्या होती है, लोग लेकर आते हैं और ठंडा करने के बाद, अभी देखिए हल्का हल्का ये भी गर्म है, इस मशीन से ये लोग कटिंग करते हैं। देखिए इस तरीके कटिंग होता है, ग्राइंडर में कटिंग होता है, ग्राइंडर में, ग्राइंडर में दाना बनता है, ग्राइंडर में कटिंग होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की कटिंग होने के बाद, कटिंग होने के बाद क्या होता है सर जी? कटिंग सिर्फ ग्राइंडर मशीन में जाएगा, ये ग्राइंडर के बाद दाना बनता है, दाना बनता है, दाना या कुर्सी में बने या बर्तन बने, कुछ मतलब प्लास्टिक का कोई भी सामान बने मिक्स कर सकते, दाना बनता है, मजबूती होता है, इसमें मजबूती होता है। इस तरीके से देखेंगे, देखिए ये अगली प्रोसेस दिख रहा है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले, ऐसा ये ठंडा करके लगा दिए हैं और ये जम जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये लोग कटिंग कर लेंगे ना, ग्राइंडर से जो भी हो कटिंग कर लेंगे, फिर दाना बनाएंगे। और दाना बनाने के बाद फिर क्या होता है कि प्लास्टिक का जो भी प्लास्टिक का बर्तन बनता है, कुर्सी मिक्स करते हैं। तो दोस्तों जैसे एक बिजनेस जो हमारे यो भाई, खासकर किराने की दुकानों का, बहुत सारे बोरे ऐसे लोग वेस्टेज में फेंक देते हैं, बिल्कुल सर, तो इनका नंबर मैं डिस्प्ले डाल दूंगा, आप सीधे इनको बेच सकते हैं, आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे और अपना रेगुलर काम करते रहेंगे, बिल्कुल सर, आपको अच्छे रेट में भी मिल सकता है, बिल्कुल सर। इन फ्यूचर किसी को मशीन की रिक्वायरमेंट होगी तो मशीन का, इस तरीके से प्लास्टिक कुर्सी में जो भी होता है आप लोग बनाते हैं ना। और यहाँ पे देख सकते हैं अगली मशीन, और ये भी वही मशीन है क्या? जी जी, ये भी इलेक्ट्रिक हीटर है, आप देख सकते हैं, मैंने गलती से टच कर दिया था, इसमें करंट नहीं आता है, करंट आता है, बस अभी सुएंगे नहीं है। अच्छा, तो देखिए ये भट्टी वाला, देखिए ये जो आपको तो दिखाई दोस्तों, ये जो आपको देखिए वही कर लीजिए ना, ये आपको जो देख रहे हैं ये भट्टी वाला प्रोसेस है, भट्टी वाला जो मशीन है होता है गर्म करके होता है। और ये आपको दिखा दीजिए, थोड़ा इधर दिखाइए भैया, इधर दिखाइएगा, ये जो मशीन है इलेक्ट्रिक वाला आपका प्रोसेस, मतलब दोनों आप कर सकते हैं ना, सेम काम है, सेम काम इलेक्ट्रिक वाला, इसमें थोड़ा सा चार्जिंग ज्यादा जाता होगा ना फिर? जी बिल्कुल, इसमें बिजली खर्च ज्यादा आ जाता होगा। तो इस तरीके से मैं दूसरे बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे लघु उद्योग की मशीनें बात कर रहे थे, मैं अब पेपर प्लेट बिजनेस पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए भैया यहाँ पेपर प्लेट का मशीन बना रहे हैं, और यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, देख सकते हैं ये लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, मैं इसे दिखाने, देखिए वेल्डिंग हो रहा है, इस तरीके से साचा बनाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में बातचीत करेंगे कि मतलब इस पेपर प्लेट का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी पूंजी लगानी पड़े, लेकिन यहाँ देख सकते हैं वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, ये लोग सीधा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, देखिए ये सीधा मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, इस तरीके से देखेंगे आपको, ये अभी बेस बना रहे हैं। सर जी कहाँ का ऑर्डर है ये? सर जाना है हमारा बस्ती में। कहाँ? बस्ती, बस्ती, ये बस्ती का ऑर्डर, देखिए इस तरीके से बना रहे हैं और इसका अभी बन रहा है, और बाकी पेपर प्लेट आप देखिए बन के एक मशीन रेडी है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बिजनेस है इसके बारे में बताइए, कितना सा हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? जी सर, आप 35,000 से लेकर के स्टार्टअप कर सकते हैं, इसमें कई वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल डाई, एक एंगल पे आता है, सिंगल डाई में ही होता है। ये हमारी जो है मशीन 45,000 की है, 35,000 की भी हम आपको सिंगल डाई मशीन दे देंगे, जिसमें 4 इंच की डाई हम आपको लगा देंगे। अच्छा, बात करें तो कितने टाइप की मशीन आपके पास है? अपने पास सर 20 से 25 टाइप की मशीनें अच्छा। हैं जो अलग अलग है। अच्छा, जैसे पेपर प्लेट की हो गई, पेपर प्लेट में हमारे पास कई वेरिएंट है। अच्छा अच्छा, जैसे बफर थाली का स्पेशली हम लोग मशीन बना रखे हैं, हाइड्रोलिक पे है, क्रैंक पे है, बफर थाली का स्पेशली मशीन आता है, क्योंकि उसमें टाइमिंग के साथ चाहिए। अच्छा अच्छा, क्वालिटी बने थाली की। अच्छा जी, तो इस बिजनेस की स्टार्ट करने मतलब कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? कम से कम सर मिनिमम 50 से 60 हजार में आप स्टार्टअप करते हैं, मशीन मटेरियल लेकर के। मटेरियल आप दे देंगे या बाहर से? मटेरियल हम खुद बनाते हैं सर। आप खुद मटेरियल भी बनाते हैं? जी मटेरियल। दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से भैया मटेरियल भी बनाते हैं, और आगे चलेंगे मटेरियल भी थोड़ा सा प्लांट हम लोग देखेंगे। मोटर कौन सा यूज करते हैं इसमें आप लोग? इसमें हम सर मैराथन या क्रॉम्पटन, जो कस्टमर डिमांड करे उस हिसाब से हम आपको। गारंटी वारंटी बात करें? 1 साल की सर मोटर की गारंटी रहती है, मैराथन का लेते हैं, क्रॉम्पटन का लेते हैं, क्रॉम्पटन कंपनी आपको वारंटी देती है। सर्विस कितने का? हमारी 1 साल की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 साल की सर्विस जी फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं आने जाने के चार्ज चलेंगे ना आप लोग?
जी आने जाने का चार्ज बस रहेगा, 100-200 भी पेट्रोल खर्च लेगा। अच्छा, दोस्तों देख सकते इस तरीके से आप लोग बिजनेस कर सकते हैं पेपर प्लेट का भी। महीने का कितना कोई कमा सकता है? महीने का सर ईमानदारी से काम करें तो 15-20 हजार सिंगल डाई मशीन लगा कहीं नहीं, 15 से कमा। ऐसा नहीं कि दिल्ली वाला बोला जाएगा 1.5-2 लाख कमाई, ऐसा नहीं, 15-20 नॉर्मल आप सैलरी कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिस्पेक्टेड आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आराम से कहीं नहीं। मैं चाहूँ थोड़ा मेटेरियल वाले जो सीन है उसको देख लेते हैं। बिल्कुल इधर देखेंगे आपको रॉ मटेरियल वाला भी मशीन यहाँ आपको देखने को मिल जाता है जी। और ये गत्ता जो भी है देख सकते हैं, जाहिर सी बात अगर आप आएंगे तो रॉ मटेरियल मशीन है तो आपको सारा प्रोसेस यहाँ देखने को मिल जाएगा और जबरदस्त तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। देखिए ये रॉ मटेरियल बनाने वाली मशीन जो पेपर प्लेट का अभी फिलहाल तो बंद पड़ी हुई है, बंद पड़ा हुआ सर, लेबर भी छुट्टी पे गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए भी काम नहीं हो रहा जी। तो कितने रुपए किलो मटेरियल आप लोग दे रहे हैं अभी? कितने रुपए किलो दे रहे हैं अभी हम लोग? सर मटेरियल जो दे रहे हैं 40 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो तक का। 40 रुपए किलो जी, बहुत जबरदस्त। देखिए पूरे गोरखपुर में इतने सस्ता आपको मटेरियल देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 40 रुपए किलो से मटेरियल मिल जाता तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आएगा तो मुझे लगता है पेपर प्लेट और जो भी मतलब आके अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। रिपीट करना चाहूंगा, जिनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर होगा आपको वीडियो डिस्प्ले पर और वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में।